बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर सीबर रहमान। आई एम अ प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, यू हैवंट लाइक इट, सब्सक्राइब इट। सो प्लीज जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन एज आई अपलोड माय एवरी डेज लेक्चर, सो यू रिसीव द नोटिफिकेशन। बिकॉज इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस कोर्स, you can watch my lectures on YouTube. But remember, these lectures will improve your knowledge, but these lectures may not help you to speak English fluently. For this, you will have to join us live on Zoom. आप बकायदा तौर पे मेरे लेक्चर्स YouTube पे देख सकते हैं, लेकिन YouTube के लेक्चर्स अपलोड तो दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो लेक्चर्स आपको कभी अंग्रेजी बुलवा नहीं सकते। ये बात जहन में रखिएगा। फॉर मेकिंग यू स्पीक इन इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बुलवाने के लिए आपको एक टीचर की जरूरत पड़ती है। एक नहीं, दो नहीं, शायद तीन नहीं, शायद चार, शायद पांच टीचर्स की जरूरत पड़ेगी आपको, जो कोई आपसे सवाल करे और फिर आप उसका जवाब दें। ठीक है ना? जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता, अंटिल यू लिसन टू समवन, अंटिल यू टॉक टू समवन, यू डोंट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। लेकिन याद रखें मेरी इस एडवाइस को, मैं इस 2 हफ्ते की मेरी इस एडवाइस पर अमल करिएगा। स्टार्ट लिसनिंग। इफ यू कंसीडर योर सेल्फ जीरो इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्टार्ट लिसनिंग। अगर आपने मेरी एडवाइस पे अमल किया, 2 हफ्ते बाद आपके अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी तब्दीलियां आ जाएंगी। आप कहेंगी, मैं क्या थी और सर ने मुझे क्या बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, करना आप ही को है कि आपने अपने वक्त को निकालना है अपने रूटीन में से, एंड यू हैव टू लिसन फॉर 2-3 आवर्स। लेकिन सुनने के आदाब मैं आपको फिर बता दूं कि बेटा, जब सुने तो अपने हाथ में एक पेंसिल रखें, एक पेपर रखें और लिखते रहे कोई नई वोकैबुलरी, कोई नया सेंटेंस स्ट्रक्चर। इफ यू आर लिसनिंग टू मी, इफ यू कम अक्रॉस टू एनी न्यू वर्ड्स, इफ यू लिसन टू न्यू वोकैबुलरी, यू मस्ट जॉट इट डाउन, यू मस्ट नोट इट डाउन, यू मस्ट राइट इट डाउन, यू मस्ट कॉपी, एंड देन यू मस्ट मेमोराइज, यू मस्ट लर्न इट बाय हार्ट, सो यू कैन रिकॉल इन फ्यूचर। ओके? अगर आप अभी तक मेरे इस कोर्स का हिस्सा नहीं बन सके हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, शायद हम इस कोर्स का हिस्सा बन जाएंगे, बनेंगे तो अंग्रेजी आएगी या नहीं आएगी, बेटा इसमें कोई दो बातें नहीं है। अगर आपने इंटर कर लिया है, मैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये कोर्स बैन कर दिया है, खत्म कर दिया है। आई एम नॉट ऑफरिंग दिस कोर्स टू मैट्रिक क्लास स्टूडेंट्स, आई एम ऑफरिंग दिस कोर्स टू इंटरमीडिएट्स ओनली। आपने इंटर किया हुआ है, अगर आप एक ऐसी खातून है कि आपकी शादी हो गई है, 15 साल हो गए आपको और आपने मैट्रिक किया था, तो याद रखें आपको 3 महीने नहीं, हो सकता है 6 महीने, हो सकता है 9 महीने, हो सकता है पूरा साल लग जाए। क्योंकि जो आपने अपने साथ किया, अब आपको उसका थोड़ा सा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। यू सिंपली डिड मैट्रिकुलेशन एंड आफ्टर दैट नाउ यू हैव कम टू मी आफ्टर 15 ईयर्स। तो क्या आप मुझे जादूगर समझते हैं कि मैं आपको 3 महीने के अंदर अंग्रेजी बुलवा दूंगा अंग्रेज के बच्चे की तरह? नहीं बेटा, इट्स इम्पॉसिबल, नियर इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आप 3 घंटे के बजाय, अगर आप सर ने कहा 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, आप इस 9 महीने को 6 महीने, 6 महीने को 3 महीने में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आप मेरी तीनों शिफ्ट अटेंड कर लें। मैंने आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। सुबह में 3 घंटे पढ़िए, दोपहर में 3 घंटे पढ़िए, रात में 3 घंटे पढ़िए, तीन तीन घंटे का सेशन लीजिए। वो चीज जो आपको 9 महीने में आने वाली है, वो चीज 3 महीने में आपके पास आ जाएगी, यकीनन। बिकॉज जितना आप लैंग्वेज को टाइम देते हैं, लैंग्वेज आपके अंदर घुस जाती है, लैंग्वेज आपके कानों से घुसती है और जबान से बाहर निकलती है। याद रखिएगा, ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म है बेटा। व्हेन यू आर लिसनिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, यू लर्न, राइट? लर्निंग, लिसनिंग इज लर्निंग। कोर्स कंटेंट आपके सामने है, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं डिलीवर कर चुका हूँ, वो आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा, उसको आपको लाजमी तौर पर सुनना है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन पर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स पे बात करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे, और इसके अंदर बहुत सारी और भी बातें हैं। फिर लोग कहते हैं कि आप जीरो से पढ़ाते हैं, आप देखिएगा मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ।
जीरो से भी नीचे का लेवल है जहां आज से मैं क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, क्लास टाइमिंग्स आप अपने पास नोट कर लीजिए। आप सुबह में क्लासेस ले सकते हैं 10 से 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद आप दोपहर में क्लासेस ले सकते हैं 3 बजे से 6 बजे तक, और आप रात में क्लासेस ले सकते हैं 8 से 11। तीन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप जब दिल चाहे क्लास ले ले, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए अपने पास, ठीक है। हर सैटरडे को मेरी वर्कशॉप होती है, उसके डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। वो कोर्स कंटेंट जो आपके जहन में आ रहा होगा, सब मॉडल्स आप वो नहीं पढ़ाते सर, पैसे अभी पढ़ाए हैं इस सैटरडे को, सर प्रेपोजिशंस भी पढ़ाते हैं, आने वाले हफ्ते को मेरा टॉपिक प्रेपोजिशन है। सर आर्टिकल्स भी पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ाया है पिछले हफ्ते। सर पॉजिटिव्स भी पढ़ाते हैं, नरेशन भी पढ़ाते हैं ये। सर सीवी राइटिंग सिखाते हैं आपका, सर उसके साथ जो कवरिंग लेटर होता है, ये सारी चीजें मैं सैटरडे में सिखाता हूँ, जो मेरे कोर्स का हिस्सा नहीं है। असल में मेरे कोर्स का जो नाम है ना, वो है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो ये वो कोर्स कॉन्टेंट है विच हेल्प्स यू इन स्पीकिंग। लेकिन मुझे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं, वो माशाल्लाह काफी लर्नेड है, काबिल है, क्वालिफाइड है, दे वॉन्ट मी टू टीच देम एवरीथिंग, और मैं भी अपनी हर नॉलेज का हर हिस्सा आप लोग को देना चाहता हूँ। तो वो मैं सैटरडे को दे देता हूँ, और कोर्स मुकम्मल हो भी गया, कुछ रह भी गया जाता है, तो आपका कोर्स मुकम्मल होने के बाद भी आप सैटरडे की वर्कशॉप्स ले सकते हैं। हमारी रमजान के अंदर, हमारे याद रखिएगा, हम रमजान से अपनी एक प्लानिंग स्टार्ट करते हैं, वो रमजान पे जाकर खत्म होती है। तो रमजान तक मैं आपसे वादा करता हूँ कि रमजान जब तक नहीं आते आपके पास, मेरा ये वादा बरकरार रहेगा। फिर रमजान के बाद हमारी कुछ पूरे साल की रिजल्ट्स को देखकर हम अपने आप को दोबारा से चेंज करते हैं। तो अगर उसमें कोई तब्दीली आ गई तो फिर हम आपसे माजत खाओगे। तो लेकिन अभी हमारे पास जो हमने आपको ऑफर दी हुई है कि आप कोर्स मुकम्मल कर लीजिए, कोर्स मुकम्मल करने के बाद सैटरडे को हमारी वर्कशॉप्स लेते रहिए, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। इवन सुबह की जो एक्टिविटी होती है, 12 से 1 1 सेशन होता है, वो भी लेते रहिए। मेरे 3-4 बैचेस मुकम्मल हो चुके हैं 3-3 महीने के, उन इसी प्लानिंग के मुताबिक, एंड दे आर स्टिल कनेक्टेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म, दे आर स्टिल इम्प्रूविंग देमसेल्फ। क्योंकि मुझे ये बात पता है, आपने कोर्स मुकम्मल कर लिया फिर उसके बाद घर बैठ गए, तो बेटा ये 6,000 रुपये बर्बाद हो जाए, ठीक है ना। आपको सिर्फ 6,000 पे करने होते हैं, 1,000 एडमिशन फीस है, 5,000 कोर्स फीस है। 6,000 पे करके आप 3 मंथ्स की एक्सेस ले लेते हैं, उसके बाद रमजान तक मैंने आपसे वादा किया, रमजान के बाद भी आपका वो हमारे पास जो ग्रुप होता है वो बना रहता है। हम आपको कभी भी, हमारी कोई वर्कशॉप्स होती है उसमें इनवाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा पेमेंट मेथड है, जो स्टूडेंट्स अब तक इस कोर्स का हिस्सा नहीं बन सके, उनके पास एक आखिरी मौका है, इस कोर्स का हिस्सा बनिए और अपनी पढ़ाई का आगाज कीजिए आज से और अभी से। कर चुके हैं आप लोग, आइए। आज का टॉपिक है आपका सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, माइक के कंट्रोल्स आपके पास आ गए हैं, अभी आपसे बहुत सारे सवालात होंगे तो उनके आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। डू यू वॉन्ट टू नो, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ये बात जानना चाहते हैं बेटा, वाई आर यू वीक इन इंग्लिश, इवन यू हैव डन PhD, इवन यू हैव डन मास्टर्स, इवन यू हैव डन बैचलर्स, बट स्टिल यू आर अनेबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, स्टिल यू वी एज अ पाकिस्तानी, लाइक वी डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। हमारी अंग्रेजी का पूरी दुनिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पाकिस्तान का किसी चीज में नाम आगे नहीं, खासतौर पे इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं। इवन अब जितनी भी जॉब्स पूरी दुनिया में निकल रही है, वहां पाकिस्तान को कभी भी अब बिल्कुल खातिर में नहीं लाया जाता। इंडिया, हर कोई जॉब इंडिया बांग्लादेश के लोगों को हायर कर लिया जाता है, बट वी कांट, वी कैन नॉट बी हायर्ड। तो आप ये सोचते हैं सर, वाई कांट वी स्पीक गुड इंग्लिश, वाई आर वी पुअर इन इंग्लिश, वाई डोंट वी राइट गुड इंग्लिश, डू यू वॉन्ट टू नो दिस थिंग। बहुत, और इतनी आसान सी बात है, किसी इंग्लिश के टीचर ने आज तक ये बात नहीं बताई। आपको पता है, स्टूडेंट लाइफ से सिंस यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग, मेरे जुमलों को नोट किया करें, मैं अगर आप सेंटेंसेस को नोट करते रहे ना, तो आपकी अंग्रेजी ऑटोमेटिकली बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं बहुत आसान अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है। सिंस यू स्टार्टेड योर स्कूलिंग, यू हैव बीन लर्निंग ओनली वोकैबुलरी। जब से आपने स्कूल स्टार्ट किया है ना,
उस वक्त से लेकर अब तक आप सिर्फ जो चीजें याद कर रहे हैं वो क्या है, वो आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। याद करें आप लोग, जब आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते थे, आपकी टीचर आपको डिफिकल्ट वर्ड्स याद करवाती थी, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब, और बेसिकली वो हमारी वोकैबुलरी है। और ये बात जानकर आपको खुशी होगी, यू हैव मोर देन 5,000 वोकैबुलरी। आप लोग कहते हैं आपके पास वोकैबुलरी नहीं है, बट इफ यू स्टार्ट राइटिंग एंड वेरीफाइंग योर सेल्फ, यू विल कम टू नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी। लेकिन उस वोकैबुलरी का कोई इस्तेमाल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रक्चरल वर्ड्स नहीं है। अब ये स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या होते हैं, देखो नाम नाम से समझना, स्ट्रक्चरल इस जो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्मेशन बना रहे हैं। आज हम उसी पे बात करने जा रहे हैं, सिंटेक्स के ऊपर, अल्फाजों की तरतीब। आपको जिस चीज की अगर सही नॉलेज नहीं है तो आपके, और ये है वो आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है, मैं तो 20 साल बाद हो गए, 20 साल मुझे पढ़ते हुए हो गए, मैं आज भी ये नहीं कहता आई एम एक्सपर्ट इन आर्टिकल्स, आई एम एक्सपर्ट इन प्रेपोजिशंस। आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है, सर आई एम एक्सपर्ट इन प्रेपोजिशन, आई एम एक्सपर्ट इन आर्टिकल्स? गोरा अपनी किताब में ये नहीं लिखता, गोरा भी नहीं लिखता अपनी किताब में। वो गोरा प्रेपोजिशन की किताब में आखिर में क्या लिखता है, द मोर यू स्टडी प्रेपोजिशन, द मोर यू एक्सपोज योर सेल्फ टू इंग्लिश लैंग्वेज, द मोर नॉलेज यू यू गेट ऑन प्रेपोजिशन, द मोर एक्सलेंस यू गेट इन प्रेपोजिशन। बेटा मेंशन योर प्रॉपर नेम, दिस सेशन इज फॉर फीमेल्स ओनली। फिर मेरे पास कंप्लेन आती है कि सर आप सेशन जो है वो लड़कियों को ऑफर करते हैं, बट यू ऑल्सो इनवाइट बॉयज इन योर सेशन। मेरे पास एक बहुत बड़ी तादाद में आइल्स के अंदर लड़के पढ़ते हैं, लेकिन आप यकीन करें वो मुझसे कहते हैं कि सर प्लीज इन्वाइट अस इन योर ग्रामर क्लास, देयर इज नो हार्म इन इन्वाइटिंग देम। लेकिन असल में हमने एक बात कह दी है कि दिस सेशन इज फॉर फीमेल्स ओनली, तो इट मीन्स दैट फॉर फीमेल्स ऑनली। हम आइल्स का सेशन ऑफर करते हैं, दैट इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है ना? हमारी स्पोकन इंग्लिश के जितने भी सेशन हैं वो फॉर फीमेल्स हैं। मेरे अलावा आपको जितने भी पढ़ाने वाली मिलेंगी वो दे ऑल आर फीमेल्स, राइट? क्योंकि मेरे पास ऐसी भी बहुत सारी खवातीन है, वो बात नहीं करती, वो सिर्फ मेरे लेक्चर्स को सुनती है और उसके बाद फिर जाकर वो स्पोकन क्लास के अंदर उनकी जबान ऐसी चल रही होती है, दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। तो बिकॉज दे फील कंफर्टेबल विद फीमेल टीचर्स, हमारे स्पोकन टीचर्स, डिस्कशन टीचर्स, प्रोनाउंसिएशन टीचर, एक्टिविटी टीचर, दे ऑल आर फीमेल्स, राइट? तो अली बट के पीछे जो फीमेल है, बेटा अपना प्रॉपर नेम मेंशन करें, तो आप लाजमी तौर पे हस्बैंड या भाई का नाम आ रहा होता है तो फिर लोग मुझे परेशान करते हैं बाद में, यू इनवाइट बॉयज, आई डोंट इनवाइट, वो खुद आ जाए अलग बात है, आई कैन नॉट स्टॉप। बट मैं बता देता हूँ, दिस सेशन इज फॉर फीमेल्स ओनली। स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। जब बेटा देखिए, अब आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स ए एन द, बट स्टिल वी आर पुअर इन दिस लैंग्वेज, इन दिस। प्रेपोजिशंस हार्डली 40 है, कंजंक्शंस हार्डली आपके पास 12 से 15 है, ऑक्सिलरी वर्ब हार्डली आपके पास 3 है। लेकिन फिर भी आप मुझे ये नहीं कह सकते, सर आई एम एक्सपर्ट इन दीज थिंग्स, कह सकता है कोई? ईमानदारी से बताइए, यू विल से नो सर, वी कांट से। और यही वो टॉपिक्स है जिनकी नॉलेज अगर आप इम्प्रूव कर ले, यू विल स्टार्ट राइटिंग गुड इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग गुड इंग्लिश, आप अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे और आप अच्छी अंग्रेजी लिखना शुरू कर देंगे। आई बात समझ? तो आज पहले दिन में ही आपको ये बात पता चल गई आपकी प्रॉब्लम क्या है। आप मुझसे, स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी राइटिंग को एनालाइज कर ले, मैंने कहा बेटा आपकी चार गलतियां हैं,
आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और पांचवी गलती जो आपकी होगी, वो पांचवी गलती आपके पास होगी ज्यादा से ज्यादा वर्बल। वर्बल एरर से मुराद क्या होता है, देखें, आप या तो टेंस की गलती कर देते हैं या फिर आप मॉडल्स की मिस्टेक कर देते हैं। आपको राइट लिखना था, आपने रोट लिख दिया, शुड राइट लिखना था, आपने शुड राइट्स लिख दिया या शुड हैव रिटन लिख दिया, ठीक है। और या फिर आपको लिखना था, फॉर एग्जाम्पल, आपको कंडीशनल का इस्तेमाल करना था, इफ यू कम टुमारो, आपने लिख दिया इफ यू विल कम टुमारो। अब ये गलती कहाँ पर हो रही है, ये वर्बल एरर है। और ये वर्बल एरर कब दूर हो जाता है, जब आप टेंसेस, मॉडल्स, कंडीशनल्स, पैसिव को पढ़ लेते हैं और कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आप वो पढ़ लेंगे, ये लिमिटेड नॉलेज है। टेंसेस आपने पढ़ लिए, मॉडल्स पढ़ लिए, कंडीशनल्स, अब आप वो गलती नहीं करेंगे फॉर श्योर। लेकिन जो गलती आप करते रहेंगे वो गलती कौन सी है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये बात मेरी लिख लीजिए। यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक होल योर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है ना वो आर्टिकल्स पर है। आपको पता है, जब मैं कोई नया वर्ड पढ़ता हूँ, कोई भी नया वर्ड मेरी जिंदगी में आता है, सर सबसे पहला काम क्या करते हैं, मैं ये नहीं देखता कि इसकी वर्ड की फॉर्म्स क्या है, वो तो हमें याद ही है, हम याद कर लेते हैं। रेगुलर वर्ब्स 121, इरेगुलर 181 याद कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। मैं ये देखता हूँ कि इस वर्ड से पहले आर्टिकल्स कौन से लग सकते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इस वर्ड के बाद प्रेपोजिशन कौन से लगते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इसके अंदर कोई कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, इस वर्ड की फॉर्मेशंस क्या है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, कोलोकेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत आसान सी मिसाल दे देता हूँ, मिस्टेक। आपने एक वर्ड याद किया, मिस्टेक, मैं गलती करती हूं। 60% स्टूडेंट इस जुमले को बनाते हैं आई डू अ मिस्टेक, कोई गलती हमें महसूस नहीं हो रही है। आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ। मैं गलती करती हूँ, आई डू मिस्टेक। लेकिन बेटा, जब आप मिस्टेक को डिक्शनरी में खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो आपको ये भी याद करना पड़ता है कि मिस्टेक अपने से पहले कौन सा वर्ब लेता है, कौन सा वर्ब इसके साथ कोलोकेट होता है, जुड़ता है, तो फिर आपको पता चलता है ये मिस्टेक जो होता है अपने से पहले मेक लेता है, मेक अ मिस्टेक। समझ रहे हैं बात, आई मेक अ मिस। अब आप ही अपने पास लिखते रहा करें छोटी छोटी बातें, आई मेक अ मिस्टेक। अब इसी तरह से आप लोग कहते हैं मैं घर जाती हूँ, मैं घर 8 बजे घर चली जाती हूँ, आई गो टू होम एट 8 o'clock। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड। अब आप ये देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, आई गो टू द हॉस्पिटल, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू होम। अब होम अपने से पहले टू नहीं लेता, ये आपकी प्रेपोजिशन की नॉलेज है, आई गो टू होम नहीं होता। लेकिन सर मैंने देखा है, आपने देखा, सर मैंने सुना है, अल्लाह की कसम मैंने सुना था, आई गो टू हिज, आई गो टू हर होम। अब आपने बिल्कुल सही सुना था। अब आप, अगर आप होम से पहले कोई डिटरमिनर लगा देते हैं, हिज लगा दिया, हर लगा दिया, देयर लगा दिया, तो टू जायज हो जाता है, लेकिन होम से फौरन पहले नहीं आ सकता। तो आई गो टू हिज होम बिल्कुल सही है, आई गो टू माई अंकल्स होम बिल्कुल सही है, आई आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, अब अब्रॉड से पहले भी आप टू नहीं लगा सकते, क्योंकि अब्रॉड का मतलब ही है टू गो टू फॉरेन कंट्री। ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, जब हम किसी वर्ड को याद करते हैं, तो हमें उनके साथ आगे पीछे देखना पड़ता है कि इनके साथ आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस क्या लग रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं करते, हमें कभी ऐसा सिखाया नहीं है। आप CSS का पेपर उठा लीजिए, आप कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को उठा लीजिए, बीकॉम का पेपर आपने दिया है, आपने बीकॉम दिया है, आप बीकॉम का पेपर उठा लीजिए, बीएससी का पेपर उठा लीजिए, आप कोई सा भी पेपर उठा लीजिए, आप मुझे बताइए क्या वहां आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन, ये दो एक्सरसाइजेज आती है या नहीं आती, बताइए आती है या नहीं आती। आज भी आती है,
आप सीएसएस का पेपर उठाइए, यू विल फाइंड दैट दिस एक्सरसाइजेज आर अवेलेबल देयर, यानी कि दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन हमें कभी भी स्कूल लाइफ के अंदर आर्टिकल्स पढ़ाए गए हैं? कभी भी नहीं पढ़ाए गए। हमेशा टीचर कहती है, बेटा ए एन दा को कौन पढ़ाए, ए एन दा को हम कौन पढ़ाए, तुक्के लगा लो। प्रेपोजिशन बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते, नो रूल्स आर अवेलेबल। कंजंक्शन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब नालायक पढ़ाए थे पिछले हफ्ते, तुम्हें याद ही नहीं है। आ गई बात समझ? अब आप देखिए जरा एक छोटे से सेंटेंस को, फिर एक असाइनमेंट दूंगा उस पर काम करना है आपको, ठीक है बेटा? मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर आ रही है? यस सर, ओके अच्छा, अब ये देखिए, यस सर, ही वेंट टू लाहौर। कभी अंग्रेजी को पढ़ते हुए आज से पहले इन चीजों को फोकस किए जिनको मैं आज आपके सामने फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए, कभी इन चीजों पे तवज्जो दिए, कभी भी नहीं दिए, और यही हमारी गलतियां हैं। दीज आर अवर मिस्टेक्स, दीज आर अवर मिस्टेक्स। अगर आपने इन गलतियों के बारे में कभी सोचा होता तो आज ये गलतियां कभी ना होती। ही वेंट टू लाहौर विद हिज फ्रेंड बाय पीआईए टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट इवेंट, बट द इवेंट कैंसल्ड एंड ही केम बैक बाय ट्रेन ऑन संडे। आज के बाद याद रखिएगा, जब भी किसी लिटरेचर को आप रीड करेंगे, आप किसको फोकस करेंगे? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। यही गलती है मान लो मेरी, यही वजह। आप देखें, यही वो वर्ड्स हैं जो आपके सेंटेंस को जोड़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस, स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर मीनिंगलेस, बट दे हेल्प यू टू कनेक्ट योर वर्ड्स, दे हेल्प यू टू कनेक्ट योर आइडियाज, योर वर्ड्स। आपका सेंटेंस जुड़ता किसकी मदद से? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। कंजंक्शन का तो काम ही यही है, लिंकिंग वर्ड्स है, वो जोड़ते हैं। प्रेपोजिशन भी आपके वर्ड्स को जोड़ता है, आर्टिकल्स भी आपके वर्ड्स को जोड़ता है। याद रहेगी बेटा बात? आप देखिए, आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे, इस सेंटेंस में देखिए कितने प्रेपोजिशन आए जो हमारे दिमाग में होते हैं और हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, जबान पर इनमें से कोई भी नहीं आता। ये सब आपके दिमाग के अंदर होते हैं, याद रखिएगा, आपकी नॉलेज है ये जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं। अब वरना तो आपके दिमाग में मोटे मोटे वर्ड्स आ रहे होते हैं, लाहौर, मेरा बेटा, सैटरडे, डाइवो, 9 बजे शिरकत करने बहुत जरूरी मीटिंग में जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ लाहौर अपने बच्चे के साथ, बेटे के साथ, हफ्ते को डाइवो से 9 बजे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शिरकत के लिए करने के लिए। अब आपके जहन में ये नहीं आ रहा होता टू विद्स ऑन बाय एट, लेकिन आप ये इस्तेमाल करते हुए जा रहे होते अगर आपकी नॉलेज अच्छी होती। आई एम गोइंग टू लाहौर विद माई सन ऑन सैटरडे बाई डाइवो एट 9 PM टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। बताइए ये कौन पढ़ाता है फिर? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का लेक्चर इस कमिंग सैटरडे को आ रहा है, इंशाल्लाह दोपहर 3 बजे आपकी क्लास होगी प्रेपोजिशंस के ऊपर। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस पे भी डिस्कशंस होगी, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को भी पढ़ेंगे, और प्रेपोजिशंस इस्तेमाल करते क्यों हैं, कहाँ करते हैं, प्रेपोजिशंस कितने होते हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस को कैसे याद किया जाता है, सारी बातें मैं आपको उस वर्कशॉप में जरूर बताऊंगा। और फिर एक बहुत अच्छी आपको वर्कशीट दूंगा जिसको आप डेली बेसिस के ऊपर सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, तो अब एक असाइनमेंट, अगर मैं आपको एक एक सफा अंग्रेजी का लिखा हुआ दे दूं, क्या आप उसमें से आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को सर्कल कर लेंगे? है बेटा? एक ओके सर, अच्छा, और एक पेपर ऐसा दे दूं जिसमें से आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस गायब कर दूं, लगा लोगे? सिर्फ एक टेस्ट करना कि कितना हमें कितना आता है, हमें कितना आता है हम जानना चाहते हैं। सर सर आप हमें एक शीट दीजिए, हम उसमें आर्टिकल्स लगाएंगे, आप हमें एक शीट दीजिए, हम उसमें प्रेपोजिशंस लगाएंगे, हम एक शीट दीजिए जिसमें हम कंजंक्शन लगाएंगे,
हम जानना चाहते हैं हमारी ओके कितनी सर, गलतियां हैं, और फिर उसकी आंसर शीट भी दे दीजिएगा सर, ताकि हम क्रॉस चेक कर लें कि हमने कितनी गलतियां की, ताकि हमें इस बात का एहसास हो कि अभी तो पार्टी बाकी है, इस पर बहुत मेहनत करनी है। तो आज इंशाल्लाह आपके पास दोपहर में एक ऐसी वर्कशीट आ जाएगी आर्टिकल्स, प्रपोजिशन और कंजंक्शंस की, जानने के लिए कि हम कितने कमजोर हैं, विद आंसर शीट। लेकिन पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर्स को देखिए, ठीक है? चलो सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, मैं क्या करूं? सबसे पहले बेटा फॉर्मेशंस पे काम करें। अब देखिए मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहा हूं, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता यार आपने मतलब सर ये तो बड़ी एडवांस क्लास चल रही है, भाई सेंटेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब इससे भी नीचे तो फिर तो ABCD है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बलून, सी फॉर कैट। हम सेंटेंस, चले अच्छा थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, हम अल्फाबेट्स से स्टार्ट करते हैं। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? अ सेट ऑफ 26 लेटर्स। लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है बताइए, लेटर्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड्स वर्ड बन जाता है, वेरी गुड। वर्ड को मिलाते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। वर्ड को मिलाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं सेंटेंस बनता है। अच्छा मेरे ख्याल से वर्ड को मिलाने से और भी कुछ बन सकता है, देखें शायद आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाए, अल्लाह करे। एक तो हमारी फाइल बहुत सारी होती है, हमने कुछ क्लासेस में ये बात भी बता दी थी कि वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है। दुआ करें आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वाला भी लेक्चर आ जाए, वर्ड को मिलाते हैं तो क्या बनता है बताइए। कोई किसी और के जहन में कोई बात आ रही हो, सर वर्ड को मिलाते हैं तो ये बन सकता है। हाँ किस्मत अच्छी आप लोगों की, वर्ड को मिलाते हैं तो क्या बन सकता है? देखिए बिल्कुल जीरो पे चला गया हूं, बिल्कुल जीरो पे चला गया, वर्ड से पहले पे चला गया। फ्रेज, फ्रेज, क्लॉज, क्लॉज थोड़ा सा बाद में आएगा, पहले पहले फ्रेज। जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं, कुछ वर्ड्स को हमने जोड़ दिया तो वो फ्रेज बन सकता है। अब फ्रेज क्या है? आसान सर अल्फाजों में, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। याद रखिएगा फ्रेज दो तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज। अच्छा कैसे पहचानेंगे नाउन फ्रेज है? भाई आ से शुरू होगा, एन से शुरू होगा, दा से शुरू होगा, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, बताओ कौन सा फ्रेज है? एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। मैंने कहा छोटी सी मिसाल दी, आ एन और दा से अगर शुरू हो जाए तो वो नाउन फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप। इन द क्लास, ऑन द रूफ, एट द बस स्टॉप, ये क्या है? क्या इससे आपको कोई मुकम्मल मीनिंग्स मिल रही है? छत पर, कमरे में, क्लास में, आफ्टर टेकिंग क्लास, आफ्टर, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे नहीं रहा। मिल रहे। जब फ्रेज की डेफिनेशन ही यही है, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग, जो हमें सम मीनिंग्स दे देता है, कुछ मीनिंग्स हमें मिल जाती हैं, लेकिन याद रखें वो आपको मुकम्मल मीनिंग्स नहीं देता। क्या हर बच्चे को फ्रेज की डेफिनेशन और फ्रेज समझ आता है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा आप फ्रेज के बाद मैंने कुछ वर्ड्स को जोड़ दिया, अब मैंने कुछ वर्ड्स को जोड़ा तो मेरे पास सेंटेंस आता। अच्छा एक नया जो ना हैंड्स फ्री जरूर ले लीजिए आप लोग, वही पुराने हैंड्स फ्री से क्लास ले रहे हैं तो मेरी कानों में भी हैंड्स फ्री लगे होते हैं, डिस्टर्ब हो जाती है, कान पर्दे फट जाते हैं, ठीक है ना? तो आपके माइक में प्रॉब्लम आती है ना, तो बेटा थिंग्स गेट डिस्टर्ब। तो अब जब मैंने, मैं इससे पहले सेंटेंस पे जाता, सेंटेंस पे जाकर मैंने क्या देखा?
सेंटेंस पर जाके मैंने देखा कि ये जनाब पहले एक और चीज खड़ी हुई है, वो क्या है? क्लॉज। सर, क्लॉज को क्या मैं सेंटेंस का दर्जा दे दूं? मैं इस पे खामोश रहा। देखो, दो तरह के क्लॉज होते हैं। अगर तुम उन दो क्लॉजेस को समझ लो तो तुम्हारी जिंदगी में एक तब्दीली आएगी। क्लॉज क्या है सर? अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। याद रखिएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बगैर कभी भी जुमला बनता नहीं। तो क्लॉज के अंदर आपको सब्जेक्ट भी मिलेगा और वर्ब भी मिलेगा, और ये आपको मुकम्मल मीनिंग्स दे सकता है। कहते हैं, अनलाइक अ फ्रेज, अ क्लॉज कैन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। ये मुकम्मल मीनिंग दे सकता है एंड कैन फंक्शन एज अ सेंटेंस ऑन इट्स ओन और एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर मैं ये कह दूं कि एक सेंटेंस क्लॉज जो होता है वो अकेले आ सकता है, तो ये बात सही है। लेकिन फिर मैं ये कहूं कि एक क्लॉज ऐसा भी होता है जिसको हमेशा एक सहारे की जरूरत होती है। बस ये दो बातें समझ लो, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैं आसान अल्फाजों में समझा देता हूँ, डिटेल्स आप जो है वो अपने जब बड़े हो जाए तो उस वक्त पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, देखिए, मैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात करता हूँ। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन। इंडिपेंडेंट का मतलब बता सकते हैं? कहने के तो हमारा मुल्क भी खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हम आज भी गुलाम है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन, यानी कि उसको किसी की जरूरत नहीं है, खुद मुख्तार। एन एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्लॉज टू कन्वे इट्स मीनिंग। लिखा हुआ है, शी लाइक्स टू रीड बुक्स। ये बताइए डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? शी रीड, शी लाइक्स टू रीड बुक्स। क्या इसमें आगे पीछे आपको किसी और सेंटेंस की जरूरत का एहसास हो रहा है? सर, हसीब टीचेस इंग्लिश, आपको नो किसी सर, और सेंटेंस की जरूरत है? मैं अकेला ये सेंटेंस आपको मुकम्मल मीनिंग दे रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो डिपेंडेंट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो नाम से पता है मोहताज। हमारे मुल्क की तरह हमें हमारे मुल्क को मोहताज बना दिया है, जबकि हमारे मुल्क को किसी की जरूरत है नहीं। वी कैन स्टैंड ऑन आर ओन, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं, लेकिन बस मोहताज बना दिया है। अ डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। आप इस तरह का जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो याद रखें आपको उसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस लिखना पड़ेगा। ये अकेला कुछ भी नहीं है। बिकॉज शी लाइक्स टू रीड बुक्स, हाँ तो आगे बोलो, पीछे बोलो। बिकॉज शी, हाँ तो सर बताएं तो, आगे अधूरी सी बात कर रहे हैं सर आप। इफ यू वर्क हार्ड, हाँ सर आगे बोलिए। अब देखिए, आपको एहसास हो रहा है कि एक सेंटेंस यहां पर और आना चाहिए। व्हेन शी कम्स, हाँ सर आगे बोले ना। व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी। इफ यू वर्क हार्डर, अगर तुम मेहनत करोगे। हाँ सर आगे बोलिए, आगे बोलिए ना सर। अब आप देख रहे हैं कि जब आपको आगे बात करनी है तो आपको एक और सेंटेंस की जरूरत है। तो ये है, तो अब इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें ऐसे वर्ड्स लग जाते हैं जैसे बिकॉज, इफ, व्हेन, ऑल्दो, सिंस, एज सून एज लॉन्ग एज। इस तरह के जब वर्ड्स आप लगा देते हैं तो फिर ये क्लॉज डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? ये मोहताज हो जाता है। आप वापस आते हैं, अब आपको समझ आ रही है अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स के बाद आपकी जिंदगी में क्या आए? वर्ड्स। वर्ड्स से आपने बेटा जिंदगी में आप पहली चीज क्या बनाई? फ्रेज। फ्रेज दो तरह के होते हैं, नाम बताइए।
फ्रेज दो तरह के होते हैं, नाम बता दीजिए। क्लॉज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये किसका माइक बर्बाद हुआ हुआ है? समरीन अली बेटा नया हेडसेट खरीदा है फौरन, ताकि प्रीपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज सर, क्लॉज एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, और क्लॉजेस दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है उसको हमेशा दूसरे सेंटेंस की जरूरत होती है। समरीन बेटा अपना माइक बंद रखिए, इट इज डिस्टर्बिंग अलॉट हेयर। ठीक है, नया हैंड्स भी लेना पड़ेगा, नई क्लास नया हैंड्स भी। अब आप देखिए, अगर कोई ये कहे इफ यू कम टुमारो, बात अधूरी है, अधूरी बात है। इफ यू कम टुमारो, इफ यू कम टुमारो, अगर तुम कल आओगी, तो ये बात अधूरी सी है। तो याद रखिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये बुनियादी बात है, कोई बताता नहीं है। अभी भी कुछ सुन लोगे, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अबे भाई यही तो तुमको पढ़ना था जो तुमने नहीं पढ़ा। अगर यही नॉलेज तुम्हारी दुरुस्त होती तो तुम आज एक सही तुम्हारी बिल्डिंग खड़ी हुई होती। हमें पता है 6 महीने बाद आपको प्रॉब्लम क्या आएगी। मैं आपको बताऊं, 6 महीने बाद प्रॉब्लम, जब आप लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल कर लेते हो, आप आईएलटीएस के पेपर में जाते हैं, वहां आपसे कहा जाता है आपके अंदर सेंटेंस वेरिएशन होनी चाहिए। आपको सेंटेंस वेरिएशन, फिर वो कहते हैं क्या मतलब सेंटेंस वेरिएशन, तो फिर आपको पता चलेगा सेंटेंस वेरिएशन अभी आपके सामने आ रही है। देखिएगा सेंटेंस वेरिएशन क्या होती है, आप पहले सेंटेंस पढ़ लो क्या है। सेंटेंस जुमला, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग एंड नॉर्मली एंड्स ऑन फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या मेरी आप इस बात से एग्री करते हैं कि एक सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे खत्म होता है, या क्वेश्चन मार्क पे खत्म होता है? इसके अलावा तो कोई तीसरी बात चौथी बात नहीं है ना, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और सेंटेंस की काइंड्स भी आज की जिंदगी आज ही के आज आपके सामने आ गई। अफर्मेटिव, इकरारिया जुमले, आई स्पीक इंग्लिश, आई लव राजू, मुझे राजू से प्यार है बाबूजी, आपने इकरार कर दिया अपने प्यार का, बाबूजी ने कहा निकल जाओ घर से बाहर। अफर्मेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमला, आई स्पीक इन इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छी। नेगेटिव सेंटेंस, ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है, आई विल नॉट गेट मैरिड टू राजू, क्यों बेटी क्या हो गया, नहीं पा मुझे इससे प्यार नहीं है, आई डोंट लव हिम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट अंडरस्टैंड योर लेक्चर, आई कांट स्विम सर, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, She is not interested in learning English. Negative sentence. ऐसे जुमले जिसमें not लग रहा होता है वो negative sentence कहलाते हैं। सारी बातें आपको याद है, मैं refresh करवा रहा हूँ, जब भी थोड़ा मेरी स्पीड बढ़ गई है। Interrogative sentence. Interrogative sentence, सवालिया जुमले। क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है? Do you know how to speak in English? Are you willing to join spoken English course? Are you good at English? Do you understand what I'm saying? Is he your friend? Is Ali good at English? Are you worried? इसी के अंदर आप WH words का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं question with WH words. Interrogative sentence के अंदर दो varieties हैं, yes and no question and question with WH words. What is your name? How old are you? Excuse me sir. अरे जुमला है बेटा. How old are you? What do you want? चाहती क्या हो तुम? सेपरेशन, अलहदगी, पैसा, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आजकल की यही डिमांड है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, चाहती क्या हो तुम? आईफोन 14, 15 ले लो तुम अगले साल, ठीक है? व्हाट डू यू वांट? वेयर डू यू लिव? कहाँ रहती हो तुम? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, मेहरबानी करके जरा ये खिड़की बंद कर दीजिए, क्लोज द विंडो प्लीज, चलो ये सारा कचरा बाहर फेंक के जाओ, टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव, जाने से पहले ये सारा कचरा बाहर फेंक के जाओ,
स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स के लिए जरा मेहनत कीजिए बेटा, अपना ख्याल रखिए, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर सेल्फ, आराम कीजिए, लेट जाइए, वक्त पे दवाई लीजिए, हैव मेडिसिन ऑन टाइम, टेक रेस्ट, डोंट शाउट, बी काइंड टू अदर्स, बी हम्बल टू अदर्स, बी सिंसियर टू योर स्टडीज, हैव पेशेंस, हैव रेस्ट, हैव समथिंग, हैव मेडिसिन, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स, डोंट डू दिस, डोंट शाउट, डोंट गो अलोन। ये सारे क्या है, ऐसे जुमले जिसमें किसी किस्म की आप नसीहत करें, ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें, इंस्ट्रक्शन दें, गो स्ट्रेट, टेक लेफ्ट टर्न, देन टेक राइट एंड गो स्ट्रेट, यू विल रीच योर स्कूल। सीधा जाइए, सीधा जाइए, सीधे हाथ पे मुड़िए, फिर उल्टे हाथ पे मुड़िए, उसके बाद फिर सीधा जाइए, यू विल फाइंड द स्कूल ऑन योर राइट हैंड साइड। क्या कर रहे हैं आप, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ओपन द विंडो व्हेन यू स्प्रे दिस, खिड़की खोल दीजिए जब आप इसका स्प्रे करें। क्या कर रहे हैं आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, अलाडी मैं पास हो गया, हाय अल्लाह वो मर गई, ओ वाह क्या जबरदस्त हुआ है भाई, व्हाट अ स्टनिंग सनसेट, आई कांट बिलीव वी वॉन द लॉटरी, हाउ यार कितना जबरदस्त केक बनाया तुमने, हाउ डिलीशियस दिस केक टेस्ट, आप बताओ, वाह दैट परफॉर्मेंस वाज इनक्रेडिबल, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड वी लिव इन, कितनी छोटी दुनिया में हम रहते हैं। ये आप क्या कर रहे हैं, आप सडन एक्सप्रेशंस का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपके सारे नेक तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह तुझे चांद सी दुल्हन दे, मे यू हैव अ प्रॉस्परस ईयर अहेड, आई विश यू गुड लक इन योर न्यू जॉब, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव मैनी मोर, कहते ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, मे दिस का शावर, मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग ऑन यू ऑन दिस डे, ईद मुबारक। ठीक है, आप लोग तो कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, आज के बाद तो खुद बनाइएगा अपनी कोटेशंस। क्लियर हो गई बात, मेरी बातें समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब मुझे आप ये बता सकते हैं, आइए एक छोटा सा असाइनमेंट, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, बताइए, दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, ये सेंटेंस है, इसको मैं डिपेंडेंट क्लॉज कहूं, इसको मैं प्रेपोजिशनल फ्रेज कहूं, या मैं इसको नाउन फ्रेज कहूं। हैंड रेस करके बोलिएगा, मैं आपका नाम लूंगा, क्लास में डिसिप्लिन बरकरार रहेगा। हैंड रेस करने की आदत डालिए, दे आर गोइंग ऑन वेकेशन, बताइए ये सेंटेंस है, अगर सेंटेंस नहीं है तो क्या मैं इसको डिपेंडेंट क्लॉज कह दूं, यस महरो, ये क्या है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। मतलब मैं इसको सेंटेंस कह दूं ना, सो इट इज सेंटेंस, यस सर, इट्स अ कंप्लीट यस सर, सेंटेंस एंड इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जब हम किसी को सेंटेंस का दर्जा दे देते तो हमने उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज का दर्जा दे दिया, ठीक है ना। द यस क्यूरियस सर, लिटिल किटन, लारे बताइए ये क्या है, आसान सी बात है, ए एंड दा वाली बात याद रखो, तुम बता दोगे ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फरजाना बताइए ना, आपका माइक सॉन है आप, यस फरजाना, ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है। अस्तगफिरुल्लाह, दा से स्टार्ट हो रहा है, आ एन दा से जो शुरू होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन फ्रेज, नाउन सॉरी। फ्रेज, इट्स ओके, स्लिप ऑफ टंग, अंडर द ब्रिज, अंडर इज अ प्रेपोजिशन, तो बताइए फरजाना ये क्या है, कौन सा फ्रेज है, यही तो ये पूछा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। मान लिया आपकी बात, लेकिन कौन सा फ्रेज है, प्रेपोजिशनल या नाउन, नाउन 50-50 कर लें, 50-50 कर दें, सर, बताइए आप, मैंने कहा ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आयशा बताइए, प्रेपोजिशन फेस, आसान सी बात है, देखिए अंडर इज अ प्रेपोजिशन, अंडर इज अ प्रेपोजिशन, और उसके बाद थोड़े से वर्ड्स आ जाए, नाउन आ जाए, आर्टिकल लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। व्हेन द सन सेट्स, बताइए
क्या है ये? हैंड रेस करने की आदत डाले और डिपेंडेंट बोले जित फरिया बताइए। डिपेंडेंट क्लॉज आवाज नहीं आई मुझे। सर, डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि सर डिपेंडेंट देखिए जब सूरज क्या, व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबता है हाँ, तो क्या मतलब तुम बाहर आ जाती हो, क्या होता है, अधूरी सी बात है। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, बताइए बिनिश क्या है ये? द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, जो सेंटेंस होता है ना हमेशा याद रखना, उसके आखिर में फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। सोबिया बताइए। फ्रेज अस्तगफिरुल्लाह, द स्काई सर, ये इज यहाँ तो क्लियर कैसे एंड ब्लू, आगे बीच में वर्ब भी तो आ रहा है, आखिर में फुल स्टॉप भी तो आ रहा है, सेंटेंस हो रहा है ना। सर, इंडिपेंडेंट ये पूरा सेंटेंस है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये। अ डिलीशियस चॉकलेट केक, आप देखिए कहीं फुल स्टॉप या कॉमा कुछ लग रहा है, मैंने लगाया फुल स्टॉप, नहीं लगाया ना, इसमें कोई वर्ड भी नहीं आ रहा। अब बताइए ये क्या है? अ डिलीशियस चॉकलेट केक, अ डिलीशियस नाउन फ्रेज हो जाएगा ना नाउन फ्रेज। अक्रॉस द स्ट्रीट बताइए, अक्रॉस नो सैबा बताइए, अक्रॉस द स्ट्रीट, प्रेपोजिशनल प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब समझ आ रही है कुछ बात? इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, शायदा बताइए। इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, समरीन बताइए, मैरो बताइए। डिपेंडेंट इफ यू स्टडी हार्ड डिपेंडेंट क्लॉज, द टॉल ओक ट्री, नारे बताइए। द टॉल ओक ट्री, द टॉल ओक ट्री, नाउन फ्रेज नाउन फ्रेज। आपने फौरन पहचान लिया सर, दा लगा हुआ है, बीच में कोई वर्ब नहीं है। इनसाइड द हाउस बताइए, इनसाइड द हाउस, शायदा बताइए, सोबिया बताइए। प्रेपोजिशनल सर, डिपेंडेंट क्लॉज अस्तगफिरुल्लाह, इनसाइड द हाउस, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज कैसे हो गया? घर के अंदर बिरयानी बन रही थी, कहाँ लिखा हुआ है? घर के अंदर बच्चे खेल रहे थे, इनसाइड द हाउस सिर्फ लिखा हुआ है, इनसाइड द हाउस घर के अंदर, घर के अंदर क्या सर? प्रेपोजिशनल प्रीपोजिशनल नाउन सर, फ्रेज, नई चीज निकाल दी, प्रेपोजिशनल नाउन, स्लिप ऑफ टंग, वो तारें टकरा रही हैं आपस में दिमाग में, अभी नई नई चीजें जा रही है ना, तो वो अभी ये तारे सेट हो जाएंगी। प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, सोबिया बताइए, सना बताइए। बिकॉज शी, डिपेंडेंट 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 क्लॉज, फ्रेज सॉरी अस्तगफिरुल्लाह। यार ये तारे वाकई शार्ट हो रही है, इंडिपेंडेंट ये सही है। नहीं वो चीजें अभी असल में देखो चीजें नई नई आई है ना, तो इसलिए ले बात समझ आ गई है, लेकिन वो जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो क्रॉस आपस में शॉर्ट सर्किट हो रही है, तो उसकी जब आप ये पूरी रिटन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, देखें ये मैंने बहुत सारी मेहनत से बहुत सारे जुमले लिखे, आज रात सोने से पहले इसके आंसर्स अपने पास लिखिए ना, है लिखने के बाद क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मेरा जवाब सही है या नहीं है। अगर आपको यही लेक्चर दोबारा सुनना है तो 3 बजे दोबारा सुन लीजिएगा, ताकि आज की तारीख में ये बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर यही लेक्चर दोबारा सुनना हो तो 8 बजे आ जाइएगा, मैं तीनों टाइम पर सेम बात करूंगा, यही एक्सरसाइज पे बात खत्म करूंगा। सर कल क्या पढ़ाएंगे? कल मैं आपको पढ़ाऊंगा वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस, जब भी मैं बात की थी ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स,
और फिर उसकी भी हम आपको एक एक्सरसाइज देंगे, और एक्सरसाइज फिर सर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, वक्त बचा तो फिर हम आगे देखते हैं आपके पास इसकी भी एक्सरसाइज। सर ये नोट्स हमें दे दीजिए। हाँ हाँ सब मिल जाएगा। उसके बाद ये सिंटेक्स का ही लेक्चर चल रहा है, सिंटेक्स ही चल रहा है, अल्फाजों की तरतीब, फॉर्मेशंस। आपको पता है अगर आपने ये फॉर्मेशंस को समझ लिया, आपको नहीं पता कि आप कितनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं लैंग्वेज की। यही वो फॉर्मेशन है, यही वो ट्रैक है जिसके ऊपर अंग्रेजी बोली जाती है। आपको सेंटेंस की प्रॉपर नॉलेज हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो, फॉर्मेशंस पता हो, वेरिएशंस पता हो, क्लॉजेस पता हो, फ्रेजेस पता हो, फिर जाकर आप अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे। अभी अंग्रेजी 2 हफ्ते तक कोई ये ना सोचे सर जी हमने तो अंग्रेजी आई नहीं थी, बोल ही नहीं रहे। तो मैंने तो 2 हफ्ते तक बुलवाना ही नहीं है, मैंने तो कहा है 2 हफ्ते तक सुनना है। ठीक है बेटा, चले ज्वाइन योर रेलिवेंट क्लासेस। अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, आपके पास एक और क्लास का लिंक आ रहा है, अपनी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।